हाय दोस्तों, वेलकम टू ब्लू पेन ब्लू मार्कर. दिस टाइम आई एम हेयर टू प्रेजेंट सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. इट वॉज द आर्टिस्ट बाय शिगा नोया. इट वॉज इनकम्प्लीट, सो लेट्स फिनिश दिस चैप्टर नाउ, राइट नाउ. एंड आई थिंक वट एवर वी डिस्क्राइब्ड लास्ट टाइम, लेट्स एक्सप्रेस इट इन अ नटशेल. दोस्तों, तो हम इसको एक संक्षिप्त में आपको एक चीज़ बता देते हैं. जो ये जो बुक है रेनबो, इसका हमने आर्टिस्ट, ये जो आर्टिस्ट है, आर्टिस्ट जो हमारा चैप्टर है, इसमें हम लोगों ने शुरू किया था. ये जो एक छोटा सा 12 साल का जो जापानी बच्चा था, इसका नाम सेबी था, उसको एक तरह की क्यूरोसिटी थी, एक तरह का उसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक तरह की उसमें क्यूरोसिटी थी, एक तरह की उत्सुकता थी, एक तरह का उसमें हॉबी थी कि वो गॉड्स कद्दू या लौकी उसको जमा करने का शौक़ था उसको. और ये जो इंटरेस्ट था उसका, लोगों ने, समाज ने, उनके माँ बाप के दोस्तों ने काफ़ी विरोध किया था. कहा था ये बेकार का काम क्यों कर रहे हो, अपने काम से काम रखो, कुछ पढ़ाई लिखाई करो, कुछ बेकार का इधर टाइम ख़राब कर रहे हो. तो उसके पापा भी, जो सेबी के जो फादर हैं, वो भी काफ़ी गुस्सा होते हैं उस पर. और फिर सेबी किसी बात का जवाब नहीं देता है. तो यहाँ तक हमने इस कहानी को एंड किया था. तो चलिए इसके बाद हम लोग शुरू करते हैं. और ये जो क्वेश्चन आंसर्स है दोस्तों, हम इसको भी करेंगे. जितने भी क्वेश्चन आंसर्स हमारे इस बुक में हैं, सारे के सारे हम लोग करेंगे. और एक और चीज़ हम इसको कह लेना चाहते हैं कि चूंकि ये जो वीडियो है काफ़ी कमाल का होने वाला है, और ऐसा होता रहता है, हम लोग करते ही रहते हैं. तो इससे पहले कि आप हमारे वीडियो में आए हैं, तो एक बार इसको सबसे पहले जो लाल वाला बटन दिख रहा है, जहाँ सब्सक्राइब लिखा हुआ है, उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए. और जो बेल आइकॉन है, इसको भी दबा दीजिए, ताकि जब भी हम कोई चैप्टर या कुछ भी अपलोड करें, तो आपको ईजिली मिल जाए, इसका नोटिफिकेशन आप तक चला जाए. तो चलिए दोस्तों, हम लोग शुरू करते हैं. हमारी जो बात थी हमने आपसे कह दी. और जितने भी इसमें इस बुक में या उस बुक में जितने भी आंसर क्वेश्चन हैं, फिल इन द ब्लैंक्स हैं, जितना भी ग्रामेटिकल पोर्शन है, हम सारे के सारे को वन बाय वन डिस्कस करेंगे. लेकिन देखिए, टाइम तो लगेगा ही, टाइम तो लगता है. अब अचानक एक दिन में सब कुछ तो हो नहीं जाएगा, बहुत मुश्किल है. तो चलिए, हमारा आप साथ दीजिए. हमें आप हमारे दिल का जो दिया है, वो बिल्कुल जलाते रहने में मदद कीजिए. हमें लाइक करिए, कमेंट करिए, कुछ अगर नया चाहते हैं तो भी आप करिए. और सब्सक्राइब भी, अगर हमारा सब्सक्रिप्शन बढ़ता है और हमें लाइक मिलता है, हमें कमेंट्स मिलता है, तो हमें एक नया जज्बा आता है, नया एक तरह का फोर्स मिलता है, एनर्जी मिलती है, इसके हम और एनर्जी के साथ किसी भी क्लिप को, किसी भी वीडियो को, किसी भी चैप्टर को हम एक्सप्रेस करने में सक्षम हो पाते हैं. तो चलिए, आपका हमें साथ चाहिए, क्योंकि आपके बिना हम कुछ नहीं है. चलिए दोस्तों, थैंक यू वेरी मच. तो हम लोग शुरू करते हैं. ये जो सेकेंड पार्ट है, हम लोगों ने पॉइंट नंबर 19 तक छोड़ा था. पॉइंट नंबर 19 तक हमने छोड़ा था. तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं, लाइन बाय लाइन, वर्ड बाय वर्ड, आप देखते चलिए फटाफट. तो हम लोग देख लेते हैं इसका सेकेंड पार्ट है. ये दी जो आर्टिस्ट है, ये दी आर्टिस्ट, ये जो आपका चैप्टर था शिगा नोया के द्वारा, शिगा नोया, ये जो बाई इसी ने लिखा था. और ये इसका जो लेक्चर सेकंड, इसका जो पार्ट है, ये पार्ट टू है. हम लोग पहला पार्ट कर चुके हैं, ये मतलब सेकंड लेक्चर है. पार्ट टू मीन्स लेक्चर टू, ये दूसरा लेक्चर है. क्लियर है दोस्तों? गुड. वन डे व्हेन ही वॉज वॉकिंग अलोंग इन अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट स्टॉल. एक दिन की बात है. वन डे व्हेन ही वॉज वॉकिंग, जब सेबी की तरफ बता रहा है, उस छोटे बच्चे की तरफ. ही वॉज वॉकिंग अलोंग ऑफ अनफेमिलियर बैक स्ट्रीट, वो जो एक स्ट्रीट था, छोटा मोटा बैक स्ट्रीट बोलते हैं. तो दोस्तों, मेन स्ट्रीट को छोड़कर जो छोटा मोटा स्ट्रीट होता है, उसको हम लोग बैक स्ट्रीट बोलते हैं. तो बैक स्ट्रीट में जो वो चल रहा था, अनफेमिलियर, उसका जाना पहचाना नहीं था, अनफेमिलियर था.
फैमिलियर बना होता है जाना पहचाना रास्ता, जब कोई रास्ता हमको जाना पहचाना नहीं होता हम उसको बोलते हैं अनफैमिलियर, वो फैमिलियर नहीं था, अनफैमिलियर था, अनजाना रास्ता था। तो उस अनजाने रास्ते में से होकर वो गुजर रहा था एक दिन, कौन सेबी, ही केम अपॉन एन ओल्ड वुमन विद अ फ्रूट स्टॉल। वो चलते चलते क्या पाया, वो देखा कि एक बूढ़ी सी औरत है जो एक एक फ्रूट के का स्टॉल, स्टॉल मैंने दुकान होता है दोस्तों, तो फ्रूट का एक दुकान लगाई हुई है। वो वहीं पर एक बूढ़ी सी औरत के पास जाकर वो पहुंच गया। शी वॉज सेलिंग ड्राइड, वो जो बेच रही थी, शी वॉज सेलिंग ड्राइड परसीमॉन्स। परसीमॉन्स मीन्स होता है दोस्तों एक तरह का फली होता है जो पीला पीला टाइप का होता है, जैसे ऑरेंज होता है तो ऑरेंज तो थोड़ा पीला से ज़्यादा होता है, तो थोड़ा पीला पीला टाइप का जो फल था उसको हम परसीमॉन्स कहते हैं। वो जो बुरी औरत थी वो परसीमॉन्स मीन्स पीले पीले फलों को बेच रही थी, एंड ऑरेंजेस, साथ में ऑरेंजेस भी बेच रही थी, नारंगियां भी बेच रही थी। ऑन द शटर्स ऑफ द हाउस बिहाइंड द स्टॉल, और वो उसने जो देखा स्टॉल के पीछे जो घर था है ना, ऑन द शटर्स, उसकी जो शटर पर था उसने क्या देखा, हाँ, शी हैड हंग अ लार्ज क्लस्टर ऑफ गॉड्स। वो जो उसका जो शटर था दोस्तों उस पर जो जहाँ उसने दुकान लगाया था उसके पीछे तरफ उसने बहुत सारे फ्रूट्स को उसने टांग रखा था। कौन से फ्रूट्स को, गॉड्स को, कद्दू को, लौकी को उसने टांग रखा था। क्लस्टर, क्लस्टर मैंने बहुत सारा झुंड है ना, ढेर सारा लार्ज क्लस्टर, बहुत सारा, तो बहुत सारा कद्दू को, लौकियों को उन्हें वहाँ टांग रखा था, हैंग कर रखा था। शी हड हंग, बिकॉज हेड आ गया तो वीथ्री आएगा, हैंग हंग हंग, तो उसने टांग रखा था, इसने, उस बुरी औरत ने। कैन आई हैव अ लुक, क्या मैं इधर देख सकता हूँ, सेड सेबी, सेबी ने कहा। एंड इमीडिएटली रैन बिहाइंड द स्टॉल, और जल्दी से ही ऐसा कहकर वो स्टॉल के पीछे, दुकान के पीछे दौड़ पड़ा। एंड बिगेन एग्जामिनिंग द गॉड्स, और उन कद्दों को काफ़ी ध्यान से चेक करने लगा, जांचने लगा, एग्जामिन करने लगा। सडनली ही कॉट साइट ऑफ वन, अचानक उसने क्या देखा, कॉट साइट, कैच साइट मैंने होता देखना है ना, तो सडनली अचानक ही कॉट साइट, उसने देखा, वन ऑफ विच वॉज अबाउट 5 inches, एक जो कद्दू था वो करीब करीब 5 inches लॉन्ग था। एंड एट फर्स्ट साइट लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, एंड और वो जो है फर्स्ट साइट, उसका जो पहला दृश्य था लुक्ड क्वाइट कॉमन प्लेस, ऐसा लग रहा था कि बिल्कुल एक जो कॉमन प्लेस में, एक आम सी जगह में जो देखने को मिलता है उसी तरह का उसको नज़र आया। समथिंग अबाउट इट मेड सेबीज हर्ट बीट फास्टर, कुछ ऐसी बात तो थी इसमें जिसने सेबी की दिल की धड़कनों को बढ़ा दिया। हर्ट बीट्स, दिल की धड़कनें फास्टर, तेज़ हो गई। क्यों तेज़ हो गई, हाउ मच इज़ दिस वन, उसने पूछा, ये जो 5 inch वाला जो कद्दू है, गॉड है, ये कितने का है। ही आस्क्ड, उसने पूछा, पेंटिंग आउट द वर्ड्स, हाँफते हुए, पेंट बने हाँफना, एक पेंट बने पेंट पहनना, जो हम लोग पेंट पहनते हैं, पेंट बने हाँफना, इस तरह से जो हम लोग करते हैं जब दौड़ते दौड़ते इस तरह की हालत हो जाती है, तो इसको हम लोग पेंटिंग, चूंकि वो को जो बच्चा था सेबी काफ़ी दौड़ कर स्टॉल के पीछे गया था देखने के लिए कद्दू को, तो हाँफ रहा था, तभी वो हाँफते हाँफते पूछा कि ये जो कद्दू है, जो 5 inch का है, 5 inch का जो लंबा दिख रहा है, तो इसका दाम कितना है। तो वो काफ़ी हाँफते हुए इस चीज़ को, इस वर्ड्स को बोला। वेल, सेड द ओल्ड वुमन, कहा ठीक है, उस बूढ़ी औरत ने कहा, सिंस यू आर जस्ट लैड, कहता है तुम एक छोटा सा बच्चा हो, छोकरा हो, लैड हो, आई लेट यू हैव इट फॉर 10 sen, कहता मैं 10 paisa में तुमको ये दे दूंगा। सेन, एसियन सेन, वहाँ के जापान के पैसे को बोलते हैं दोस्तों सेन, तो बोला 10 sen में तुमको ये मैं दे दूंगी, चूंकि तुम छोटा सा बच्चा हो, जस्ट अ लैड, एक छोकरा हो, बच्चू सा बच्चा हो 12 साल का, तुमको हम दे देंगे। पॉइंट नंबर 23, इन दैट केस, उस हालत में, उस स्थिति में, सेड सेबी अर्जेंटली, अचानक सेबी ने जल्दी जल्दी में कहा, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, कहता इसको रखना, मैं अभी गया अभी आया। कौन बोला, सेबी बोला कि इसको रखना, प्लीज होल्ड इट फॉर मी, वोंट यू, क्या तुम नहीं रखोगे,
I'll be right back with the money. मैं यूं गया और पैसा लेकर यूं आया, मनी लेकर यूं वापस आया, उसने सेबी ने उस बूढ़ी औरत से कहा. Point number 24. He dashed home and in no time at all was back at the stall. He dashed. Dashed में एकदम दौड़ता हुआ गया. एकदम खूब तेजी से दौड़ता हुआ गया. वो घर पहुंचा and किसी एकदम थोड़े समय में in no time मैंने एकदम कम समय में है ना no time at all मैंने बिल्कुल भी एकदम कम समय में was back at the stall. फिर वो वापस आ चला गया कहाँ दुकान पर चला गया. He bought the gourd and took it home. उसने कद्दू को खरीद लिया और उसको कहाँ ले गया घर ले गया. 25 फ्रॉम दैट टाइम ऑन उस समय से उसी समय से ही वॉज नेवर सेपरेटेड फ्रॉम हिज न्यू गॉड. वो कभी भी अपने आप को उस नए कद्दू से नए लौकी से अपने आप को अलग नहीं किया अपने आप को जुदा नहीं किया उसी के साथ वो बना रहा. ही इवन टुक इट अलॉन्ग टू स्कूल. वो कभी उसको छोड़ता नहीं था उस कद्दू को जो 5 इंच का कद्दू था जो उसने बुढ़िया की दुकान से खरीदा था उसने उसको नहीं छोड़ा. वो इवन ये भी है कि जब वो स्कूल जाता था तो उस कद्दू को भी साथ लेकर के जाता था. एंड यूज टू पॉलिश इट अंडर हिज डेस्क इन द क्लास टाइम. जब क्लास का समय होता था क्लास का टाइम होता था वो डेस्क के नीचे वो कद्दू को पेंट करता रहता था उसमें रंग करता रहता था. इट वॉज नॉट लॉन्ग बिफोर ही वॉज कॉट. बस कुछ ही समय में इट वॉज नॉट लॉन्ग ज़्यादा लंबा अरसा नहीं गया थोड़े समय में ही वॉज कॉट वो पकड़ा गया एट दिस बाय वन ऑफ द टीचर्स. उसके किसी भी एक शिक्षक के द्वारा टीचर के द्वारा ये जो वो पेंट कर रहा था बेंच के नीचे ये वो पकड़ लिया गया. उस टीचर ने उसको देख लिया. हु वॉज पर्टिकुलरली इंसेंस्ड. जो पर्टिकुलरली मुख्य रूप से खास तौर से क्या हुआ इंसेंस्ड. इंसेंस बोलते दोस्तों बिल्कुल तोड़ित हो गया गुस्सा हो गया एकदम गुस्सा आ गया उसको टीचर को. बिकॉज इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास. ऐसा जो होता है उसने टीचर ने कहा कि ऐसी जो बातें होती हैं जब कोई टीचर पढ़ा रहा होता है तो उसकी बातों को न सुन करके कद्दू पेंट करना ये तो एथिक्स वाले क्लास में ही होता है कहीं और क्लास में नहीं होता है. ओके हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास. एथिक्स मतलब होता दोस्तों मॉरालिटी की क्लास चाहे अखलाकियात सिखाया जाता है जहाँ ये सिखाया जाता है कि हमको किस तरह से लोगों से बात करना चाहिए हमको बड़ों की इज्जत कैसे करनी चाहिए इसी को हम लोग बोलते हैं एथिक्स है ना. ऐसे एथिकल क्लासेस होती होंगी ताकि जहाँ मॉरल साइंस मॉरालिटी सिखाया जाता है जहाँ मॉरालिटी सिखाया जाता है मॉरल वैल्यू सिखाया जाता है आपके अंदर की जो नैतिकता है नैतिक गुणों को डाला जाता है ऐसे क्लासेस को हम लोग बोलते हैं एथिक्स क्लासेस. चूंकि टीचर ने कहा कि चूंकि एथिक्स क्लासेस नहीं है इट हैपेंड टू टेक प्लेस इन एन एथिक्स क्लास. उन्होंने कहा एथिक्स क्लासेस नहीं है एथिक्स क्लासेस नहीं हुई हैं तो फिर ये तुम कैसा काम कर रहे मैं तो तुमको पढ़ा रहा हूँ ना तो फिर तुम ये अंदर इसके अंदर मेरी बात का ध्यान ना देकर तुम ये कद्दू को पेंट कैसे कर रहे. इस बात पर टीचर को काफ़ी गुस्सा आ गया. ही वॉज इंसेंस्ड ही वॉज एंग्री बहुत ज़्यादा वो एंग्री हो गया. कौन टीचर. 26 पॉइंट द टीचर केम फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ जापान. वो टीचर भी जापानी था वो जापान के किसी दूसरे हिस्से से आता था एंड फाउंड इट मोस्ट ऑफेंसिव और काफ़ी उसको बुरा लगा. ये जो हरकत है ये जो सेबी ने ऐसा काम किया था कि डेस्क के नीचे कद्दू पेंट कर रहा था जब वो पढ़ा रहा था क्लास में तो ये काफ़ी ऑफेंसिव लगा काफ़ी बुरा लगा उसको. दैट चिल्ड्रेन शुड इंडल्ज इन सच एन एफिमिनेट पास टाइम. क्यों बुरा लगा क्योंकि वो सोच रहा था वो टीचर सोच रहा था कि ये जो बच्चे हैं इस तरह जो करेंगे शुड इंडल्ज मैंने होता है इन्वॉल्व करना पढ़ जाना लग जाना. अगर ऐसे बच्चे अगर इस तरह से लग जाएंगे इन सच एफिमिनेट पास टाइम्स. एफिमिनेट मैंने होता है दोस्तों एफिमिनेट फेमिनिन वर्क मीन्स लड़कियों वाला काम औरतों वाला काम पता नहीं ये लड़कियों वाला काम है
तो बाएं हाथ का काम है, लड़की वाला काम, तो मर्द है तो वो लड़कियों वाला काम तो करेगा नहीं। तो वही बोलते हैं ये लड़कियों वाला काम जो पास टाइम है, खेल है, इस तरह से जो कलेक्शन ऑफ गॉड्स है, ये जो कद्दू का जो संग्रह कर रहा है ये से भी, ये इस तरह के लड़कियों वाले काम में क्यों पड़ गया, ये क्यों इन्वॉल्व हो गया, क्यों इंडल्ज हो गया, ये टीचर सोचकर गुस्सा हो रहा था, काफ़ी उसको ऑफेंसिव फील हो रहा था, वो काफ़ी उसको बुरा लग रहा था। He never minded having his students sing Nani Vabhushi ballads. He never minded. वो कभी इस बात का बुरा नहीं मानता अगर उसके students Nani Vabhushi के ballads गाते। Ballads आप जानते हैं, ballads जो हम poem के टुकड़े को जो हम बोलते हैं ballads बोलते हैं, तो ये जो हैं अगर वो Nani Vabhushi के ballads अगर वो गाते, बच्चे अगर गाते, तो टीचर को बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता, टीचर बिल्कुल भी माइंड नहीं करता, बिल्कुल भी वो बुरा महसूस, बुरा फील नहीं करता। हावर लेकिन रॉकसली जितना भी रॉकसली वो गाता, टीचर को बुरा नहीं लगता, लेकिन चूंकि वो उन्हें एक लड़कियों वाला काम, औरतों वाला काम किया है, एक कद्दू जमा करके उसको पेंट करने का काम किया है, तो इस बात पे टीचर को काफ़ी गुस्सा आता है, वो गुस्सा होता है और वो उसको बुरा भी लगता है कि मेरे क्लास में इस तरह से कैसे हो रहा है। रॉकसली होता है दोस्तों, इसको हम लोग बोलते हैं काफ़ी कड़ाई के साथ, रॉकसली रफली बोल सकते हैं हम इसको। तो कितनों भी रफली अगर कोई गाता, अगर वो बैलेट्स गाता, तो इसको टीचर को ये बात बुरी नहीं लगती। नाउ व्हेन ही फाउंड सेबी साइलेंटली पॉलिशिंग इज गॉड, चूंकि अब उसने सेबी को पकड़ा था या पाया था चुपचाप अपने कद्दू को पेंट करते हुए, साइलेंटली पॉलिशिंग इज गॉड, चुपचाप कद्दू को पेंट करते हुए, हिज वॉइस ट्रेम्बल्ड विद फ्यूरी, उसकी जो आवाज़ है, आवाज जो है गुस्से से एकदम कांपने लग गया, लड़ने लग गया, काफी गुस्सा उसको आने लग गया, क्योंकि वो चुपचाप किस तरह से ये कद्दू को पेंट कर रहा था डेस्क के नीचे जबकि क्लास चल रही थी। यू आर एन इडियट, ही शाउटेड, टीचर ने चिल्लाया, कहता तुम बेवकूफ हो, यू आर एन इडियट, There is absolutely no future for a boy like you. तुम्हारा कोई फ्यूचर नहीं है, तुम जैसे लड़कों का कुछ नहीं हो सकता, कोई मुस्तकबिल नहीं है, कोई भविष्य नहीं है, चिल्ला पड़ा टीचर, shouted. Then and there he confiscated the gourd on which Sebi had spent so many long hours of work. और ये कहकर उसने confiscate दोस्तों होता है जब्त कर लेना, ले लेना, तो उस टीचर ने वो जो कद्दू था जिस पर काफ़ी देर से वो जो सेबी है उस पर वर्क कर रहा था, काम कर रहा था, पेंट कर रहा था, उसको उसने जब्त कर लिया। और उसको जब्त करने के बाद सेबी स्टीयर्ड स्ट्रेट एंड डिड नॉट क्राई, सेबी सीधा टकटकी लगाकर उसको देखता रहा, स्टीयर्ड टकटकी लगा के देखना, टकटकी लगा के उसको देखता रहा आगे की तरफ, एंड डिड नॉट क्राई, और बिल्कुल भी नहीं रोया, बिल्कुल भी नहीं चिल्लाया। ओके, पॉइंट नंबर 28, व्हेन ही गॉट होम, और जब वो घर चला गया, कौन, सेबी जब घर चला गया, सेबीज फेस वाज पेल, सेबी का जो चेहरा था मुरझाया हुआ था, बिल्कुल पीला पड़ गया था, मुरझा गया था, चूंकि टीचर ने उसको डांटा था, उसकी जो हॉबी थी, वो जो कद्दू कितने मेहनत से वो लाया था, पैसा जमा करके उस बूढ़ी औरत से, वो उस कद्दू से एक पल के लिए अलग नहीं हो रहा था, वो उस कद्दू को पेंट कर रहा था, क्लास में भी पेंट कर रहा था, तो कितना उससे लगाव था, अब वो कद्दू उसको छीन लिया गया था, जब्त कर लिया गया था, तो ये ऑटोमेटिक है दोस्तों कि उसका चेहरा पीला पड़ेगा, उसका चेहरा मुरझा जाएगा। तो वो घर लौटा, उसका चेहरा मुरझाया हुआ था, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ बोले, बिना कुछ कहे, ही पुट हिज फीट ऑन द वार्मर, उसने अपना पैर वार्मर पे रखा जो गर्म करने का वो होता है, एंड सैट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, और फिर एकदम खामोशी के साथ, एकदम बिल्कुल टकाटक टकाटक टकटकी बांधकर वो दीवार की तरफ देखता रहा, देखता रहा, सेट लुकिंग ब्लैंकली एट द वॉल, ब्लैंकली एकदम बिल्कुल नजदीक से देखता रहा। 29, आफ्टर अ वाइल, थोड़ी देर के बाद, द
द टीचर अराइव्ड। अब देखिए और नई मुसीबत, वो जो टीचर ने कद्दू जिसने जब्त किया था उसके घर पे पहुंच गया। अ सेबीज फादर वॉज नॉट येट होम फ्रॉम द कारपेंटर शॉप वेर ही वर्कड। सेबी के पापा, जब टीचर पहुंचा तो सेबी के जो फादर हैं वो अब तक कारपेंटर की दुकान से वापस नहीं आए थे। कारपेंटर की दुकान में वो अपना काम करते थे, जहाँ वो काम करते थे। द टीचर डायरेक्टेड हिज अटैक ऑन सेबीज मदर। टीचर ने अपना गुस्सा किस पे उतारा? सेबी की माँ पे उतारा। डायरेक्टेड मतलब दिशा दिया, अपने गुस्से को, अपने अटैक को किस पे दिशा दिया? सेबी की मम्मी की तरफ। पॉइंट 30, दिस सॉर्ट ऑफ थिंग इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द फैमिली। कहता है, टीचर कहता है उसकी माँ से कि ये जो जिम्मेदारी है ना, ये जो जिम्मेदारी है माँ बाप की बनती है कि नहीं बनती, ये जिम्मेदारी माँ की बनती है, फैमिली की बनती है, परिवार की बनती है। हाँ, ही सेड ऑन ए ट्विस्टेड वॉइस, काफी कड़े अंदाज में, कड़े लहजे में, कड़ी आवाज में इसने सेबी की माँ से कहा। किसने कहा? टीचर ने कहा। हाँ, इट इज द ड्यूटी ऑफ योर पेरेंट्स, इट इज द ड्यूटी ऑफ यू, इट इज द ड्यूटी, इट इज़ द ड्यूटी ऑफ यू पेरेंट्स। कहता है ये जो ड्यूटी है ये आप लोगों का है, पेरेंट्स का है, टू सी दैट सच थिंग्स डोंट हैपन। कहता है कि ये ड्यूटी जो है तुम्हारे पेरेंट्स का है, तुम्हारे जो है इसका है, माँ बाप का है, इसलिए माँ बाप का है कि ताकि ऐसी चीज़ें बिल्कुल दोबारा ना हो। इसलिए ये ड्यूटी माँ का बनता है और उसके बाप का बनता है। इन एन अगोनी ऑफ एम्बेरेसमेंट, कहता है परेशानी के आलम में, परेशानी के आलम में सेबीज मदर मटर्ड सम अपोलॉजी। परेशानी के आलम में थी, काफ़ी परेशान थी, एम्बेरेस्ड हो गई थी, उसको दर्द भी, एगोनी माने दर्द, वो दर्द भी उसको हो रहा था। और सेबी की माँ ने कुछ कहा, कुछ अटर्ड किया और उसने माफ़ी मांगी, माफ़ी वाले अंदाज में उसने मांगी कि ये कुछ कुछ कहा। सेबीज मदर मटर्ड, मटर मैंने कुछ गुनगुना कर कहना, सम अपोलॉजी, उसने कुछ माफ़ी मांगते हुए कुछ कहा। किसने कहा? सेबी की मम्मी ने, क्योंकि टीचर ने इतना सारा अटैक कर दिया था सेबी की मम्मी पर। पॉइंट नंबर 31, मीनवाइल जबकि सेबी वॉज ट्राइंग टू मेक हिमसेल्फ एज एन इनकॉन्स्पिक्यूअस एज पॉसिबल इन द कॉर्नर। उसी बीच सेबी वो ट्राई कर रहा था, कोशिश कर रहा था टू मेक हिमसेल्फ, अपने आप को बनाने के लिए, क्या बनाने के लिए? इनकॉन्स्पिक्यूअस, मतलब हम किसको कहते हैं कि इनकॉन्स्पिक्यूअस बोलते हैं दोस्तों, जो हमको इजीली नजर नहीं आता है, मतलब नजर नहीं आने वाला। तो कोशिश कर रहा था कि वो टीचर की नजर में ना आए। हाँ, हिमसेल्फ मेकिंग हिमसेल्फ एज इनकॉन्स्पिक्यूअस एज पॉसिबल, जितना तक मुमकिन हो सके, जितना तक संभव हो सके, वो ये सोच रहा था कि वो टीचर की नज़र में ना आए, इसलिए वो कॉर्नर में, कोने में छुपता जा रहा था। टेरिफाइड, डरा हुआ था। ही ग्लांस्ड अप एट हिज विंडिक्टिव टीचर, उसने अपनी टीचर को सरसरी निगाह से देखा। विंडिक्टिव टीचर, विंडिक्टिव में होता है खतरनाक, मीन्स जो किसी को सजा दिलवाने के लिए एकदम पक्का आया हो कि नहीं हमको इसको पनिश करना है आज। तो वो जो टीचर पनिश करने के इरादे से आया था, उसकी तरफ देख करके वो बिल्कुल 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 टेरिफाइड हो गया, डर गया, भयभीत हो गया। एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड, और उस वॉल के पीछे जो कि उसके पीछे था, है ना, एंड एट द वॉल डायरेक्टली बिहाइंड वेर अ होल रो फुल्ली प्रिपेयर्ड गोर्ड्स वॉज हैंगिंग। जहाँ टीचर ये बोल रहा था उसके पीछे तरफ जो वॉल था वहाँ बहुत सारे लौकी, बहुत सारे कद्दू लटक रहे थे, जिस पर सेबी ने काम किया हुआ था, मेहनत किया हुआ था। What would happen if the teacher caught sight of them? वो डर रहा था, भयभीत हो रहा था कि अगर खुदा ना खास्ता अगर इस टीचर को वो कद्दू लटकते हुए दिख गए, एक कद्दू तो उसने मेरा जब्त कर लिया था, ले लिया था, अगर ये कद्दू दिख गए तो ये सारे कद्दू भी लेकर के वो चला जाएगा या उसको तोड़ देगा। ऐसा से भी सोच रहा था, उसको डर हो रहा था, वो काफी डरा हुआ था। 32, ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर से वो कांप रहा था, ट्रेम्बल कर रहा था। ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, वो जानता था कि अब बहुत कुछ बुरा होने वाला है। वर्स्ट बने बुरा, बैड वर्स वर्स्ट, इसका सुपरलेटिव डिग्री है। कहते हैं कि ट्रेम्बलिंग इनसाइड, अंदर से वो डर रहा था, कांप रहा था, और ही वेटेड फॉर द वर्स्ट, और वो इंतजार कर रहा था कि अब कुछ बुरा होने वाला है। बट एट लेंथ द मैन एग्जॉस्टेड, लेकिन थोड़ी देर बाद वो जो आदमी है, वो जो टीचर है,
थक गया, एग्जॉस्ट हो गया, हिज रेटरिक, उसकी जो करी करी बातें थी खत्म हो गई, एंड स्टम्प्ड एंग्रीली आउट ऑफ द हाउस, और काफी पैर पटकते हुए, स्टम्प करते हुए, मोहर मारते हुए वो घर से बाहर निकल गया, पैर पटकते हुए घर से बाहर निकले, स्टम्प एंग्रीली, गुस्से से पैर पटकते हुए वो घर से बाहर निकल गया। सेवी हीव्ड अ साइ ऑफ रिलीफ, सेवी एक आराम का, एक ठंडा आह भरा, आ कि चला गया, है ना। सेबी हीव्ड अ साइ ऑफ रिलीफ, एक ठंडी आह भरा, एक रिलीफ का, एक सुकून का, एक चैन की आह भरा, चैन की सांस ली किसने, सेबी ने। 33 पॉइंट, सेबीज मदर वाज सोबिंग सॉफ्टली, सेबी की जो माँ है वो सिसक रही थी, वो सॉफ्टली थोड़ी थोड़ी थोड़े थोड़े ऐसा लग रहा था सॉफ्टली, ज़्यादा तेज से रो नहीं रही थी, सिसक रही थी इन क्वेरलस वाइन, है ना। और शी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, ओके, इन ए क्वेरलस वाइन, वो कहते कि वो जो क्वेरलस झगड़ने के अंदाज में, झगड़ने के मूड में, क्वेरलस वाइन, वाइन मैंने टोन में, झगड़ने के टोन में, शी बिगेन टू स्कॉल्ड हिम, वो अपने बेटे को, सेबी को स्कॉल्ड करने लगी, डांटने लगी। एंड इन द मिडस्ट ऑफ दिस, और इसी बीच उसकी माँ सेबी को जब डांट रही थी, सेबीज फादर रिटर्न फ्रॉम द शॉप, फ्रॉम हिज शॉप, सेबी के जो पापा हैं वो कारपेंटर की दुकान से वापस आ गए। एज सून एज ही हर्ड, जैसे ही उसके पापा ने ये बातें सुनी, व्हाट हैड हैपेंड, जो कुछ हुआ था, टीचर आया था, मम्मी पे बरस पड़ा था, फिर मम्मी सिसक रही थी, तो ये सारी बातें जब उसने सुना, ही ग्रैबल्ड हिज सन, उसने अपने बेटे को पकड़ा, ग्रैब किया, जकड़ा, पकड़ा बाय द कॉलर, कॉलर पकड़ा एंड गेव हिम ए साउंड बीटिंग, डिशुम डाशुम खूब किया, खूब मारा, साउंड मैंने बहुत बहुत अच्छी तरह से उसकी पिटाई की, किसने, सेबी की पिटाई की, किसने की, उसके पापा ने। क्लियर है, यू आर नो गुड, कहता तुम अच्छे नहीं हो, ही बॉल्ड एट हिम, वो उस पर बॉल मैंने है दोस्तों चिल्ला चिल्ला के बोलना, खूब खूब डर दिखा के बोलना, वो काफी चिल्ला चिल्ला के उस पर बोल रहा था कि तुम अच्छे नहीं हो, यू विल नेवर गेट एनीवेयर इन द वर्ल्ड, दुनिया में तुम कुछ नहीं कर सकते, यू विल नेवर गेट एनीवेयर, तुम दुनिया में कहीं नहीं जा सकते इन द वर्ल्ड, द वे यू आर कैरिंग ऑन, तुम जिस तरह से अपनी जिंदगी को ले जा रहे हो, तुम जिस तरह से चल रहे हो, तुम जिस तरह से तुम्हारा ध्यान पढ़ाई पे नहीं है, तुम उल्टे पुल्टे की चीजें कर रहे हो, इस तरह से तुम दुनिया में कहीं आगे नहीं बढ़ पाओगे। काफी तेजी तेजी से चिल्ला चिल्ला कर वो अपने बेटे पर, सेबी पर बोल रहा था, आई हैव अ गुड माइंड टू थ्रो यू आउट इन टू द स्ट्रीट वेयर यू बिलोंग, कहा ठीक है, अच्छा है, मेरे दिमाग में एक अच्छा ख्याल आया है, तुमको मैं उसी जगह फेंक दूंगा जिस गली से तुम बिलोंग करते हो ना, जो तुम करना चाहते हो ना, चलो तुमको मैं उधर ही फेंक दूंगा, तुमको वही काम करने के लिए दूंगा। द गॉड्स ऑन द वॉल कॉट हिम एट हिज अटेंशन, और जैसे ही वो मुंह फेरा, पीछे वॉल में जो कद्दू थे वो सारे लटक रहे थे, जिस पर उन्होंने काम किया था, इस पर सेबी ने मेहनत किया था, विदाउट अ वर्ड, बिना कुछ कहे, ही फेच्ड हिज हैमर, फेच मैंने लाना, फेच उसके पापा ने हैमर लाया, हथौड़ा लाया, और सिस्टमेटिकली स्मैश देम ऑन टू पीसेस, और एक 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 करके, एक के बाद एक को स्मैश किया, मारा हथौड़ा, और उसको टुकड़ों टुकड़ों में तोड़ के खत्म कर दिया, वन आफ्टर द अनदर, एक के बाद दूसरे कद्दू को हथौड़ा मार मार करके स्मैश कर दिया, टुकड़ा टुकड़ा कर दिया। सेबी टर्न्ड पेल बट सेड नथिंग, सेबी मुरझा गया, सेबी का चेहरा पीला पड़ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बिल्कुल कुछ नहीं कहा। 34, द नेक्स्ट डे द टीचर गेव सेबी सेबीज कॉन्फिस्केटेड गॉड टू एन ओल्ड पोर्टर। अगले दिन उस टीचर ने जो कद्दू
जो लौकी सेबी से उन्हें कन्फिस्केट किया था, जब्त किया था, उसने वो जो कद्दू है एक पोर्टर को दे दिया, एक द, एक एक एक, द, एक दरबान को दे दिया, एक नौकर को दे दिया। पोर्टर बने हो दोस्तों, जो दरवाजे पे खड़ा रहता है उसको हम पोर्टर कहते हैं, दरबान कह सकते हैं हम लोग। तो वो दरबान को, एक बूढ़े दरबान को दे दिया। हु दोस्तों, ये हु जो है ना, ये देख रहे हैं ना, ये मिटा हुआ है, ये जो आप देख रहे हैं ये पूरा मिटा हुआ है। हम आपको ये लाइन पढ़ के नहीं सुना सकते, पता नहीं क्या लिखा हुआ, मुझे भी नहीं पता। ये आप ध्यान से देखिए, देखिए चीज देख रहे हैं ना, ये लाइन मिटा हुआ है। तो चलिए इसको हम इससे हम अगले लाइन को देख लेते हैं। तो वो जो टीचर है, वो जो उसका कद्दू था, वो जब्त किया हुआ कद्दू उसने के एक बूढ़े दरबान को दे दिया। उसके बाद एक लाइन मिटा हुआ है, हम भी कुछ नहीं कर सकते। चलिए अगले लाइन में, द पोर्टर टुक द गॉड, अगले पे 52 पेज पे, द पोर्टर टुक द गॉड, उस दरबान ने कद्दू को लिया और वो घर ले गया, विद हिम, अपने साथ, एंड हंग इट ऑन द वॉल, उसने वॉल पर, दीवार पर उसने उसको क्या किया, लटका दिया, ऑफ हिज स्मॉल सटी रूम, अपनी वो जो सटी रूम है, SOOTY, सटी, सूटी नहीं दोस्तों, सटी, सटी मीन्स होता है काला काला जो धब्बा लगा हुआ था दीवार पे, ब्लैक ब्लैक लगा हुआ था धब्बा, बिल्कुल अच्छा नहीं था, साफ सुथरा नहीं था। SOOTY, सट, सट बने होता है दोस्तों काजल, लैम्प ब्लैक जो हम आंखों में लगाते हैं, काजल है ना, सट, SOOTY, सूट नहीं, सट, तो सटी है ना, ऑन द वॉल ऑफ हिज स्मॉल सटी रूम, तो वो जो उसका सटी रूम था, काला कलोटा सा उसका जो दीवार था, गंदा गंदा सा दीवार था, उसी दीवार पर उसने उस कद्दू को लटका दिया, किसने, बूढ़े दरबान ने, बूढ़े पोर्टर ने। 35, अबाउट 2 months लेटर, 2 महीने बाद, द पोर्टर, वो जो दरबान है, फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड फॉर मनी देन यूजुअल, बेचारा बड़ा वो जो दरबान था, फाइंडिंग हिमसेल्फ इवन मोर हार्ड प्रेस्ड, एकदम उसके पास काफ़ी मजबूर हो गया था, वो काफ़ी प्रेस्ड फील कर रहा था, उसके पास मनी नहीं थे, हर दिन की तरह, हमेशा की तरह, यूजुअली जैसा उसके पास पैसा हुआ करता था, उस दिन उसके पास पैसा नहीं था, वो पैसों की कमी महसूस कर रहा था। डिसाइडेड टू टेक द गॉड टू ए लोकल क्यूरियो शॉप, उसने फैसला किया, उसने निर्णय किया कि कद्दू को एक लोकल दुकान पे, क्यूरियो शॉप पे, जहाँ के ऐसी दुकान जहाँ क्यूरियस चीज़ें बिकती हैं, वहाँ पे ले जाऊँगा और इसको दिखाऊँगा, टू सी इफ यू कुड गेट ए फ्यू कॉपर्स फॉर इट, क्या पता कुछ थोड़ा पोरा पैसा मिल जाए इसको वहाँ दिखा करके। तो इसीलिए वो जो बूढ़ा पोर्टर था, उस कद्दू को लिया और क्यूरियो की दुकान पर वो चला गया। क्लियर है, पसंद आ रही हर एक पॉइंट, वेरी गुड। फॉर इट द क्यूरियो डीलर एग्जामिन्ड द गॉड केयरफुल्ली, वो जो क्यूरियो डीलर था, वो जो वो दुकानदार था, उस कद्दू को काफ़ी केयरफुल्ली, काफ़ी होशियारी से, काफ़ी चालाकी से, काफ़ी सही से उसको जांच किया, एग्जामिन किया, देन अज्यूमिंग एन अनइंटरेस्टेड टोन, और फिर वो ऐसा अपनाते हुए, बिल्कुल ऐसा लग रहा था कि उसमें उसको कोई इंटरेस्ट ही नहीं है, कोई रुचि नहीं है, अरुचिकर टोन में, भाषा लहजे में, टोन माने लहजा, तो अनइंटरेस्टेड टोन, अरुचिकर, बिना कोई दिलचस्पी दिखाते हुए उसने कहा कि है ना, हैंडेड इट बैक टू द पोर्टर सेइंग, उसने उस कद्दू को उस पोर्टर को थमा दिया और कहा, क्या कहते हुए थमाया, आई माइट गिव यू 5 yen फॉर इट, कहता मैं इसके लिए आपको 5 yen 5% दे सकता हूँ, 5 yen, इस कद्दू को ऐसा ही है, किसी काम का नहीं है, चलो इसके लिए मैं तुमको 5% दे सकता हूँ। चूंकि दोस्तों जापान में येन चलता है ना, येन एंड सेन, ऐसे टाका और पैसा होता है हमारे यहाँ, तो येन और सेन, तो 5 yen देने की बात किया, किसने, वो क्यूरियो डीलर ने, इस पोर्टर को, उस कद्दू के लिए। 36, द पोर्टर वॉज एस्टाउंडेड, वो जो दरबान था, वो जो पोर्टर था, एस्टाउंडेड, अचंभित हो गया, आश्चर्यचकित हो गया, वो तेरी 5 yen दे रहा इस छोटे मोटे कद्दू का। बट बींग क्वाइट एन इंस्टीट्यूट ऑल मैन, लेकिन वो बहुत चालाक
अपने आप को चालाकी से अपने आप को संभाला। एस्टिट्यूट मैंने बहुत है दोस्तों, चतुर, बहुत ही चालाक। वो एक ओल्डमैन जो है, वो बूढ़ा, वो जो चालाक बूढ़ा अपने आप को संभाला, है ना, अपने आप को दिखाया, काफी चतुर दिखाया। रिप्लाइड कूलली, हड़बड़ाया नहीं, काफी वो जानता था कि 5 येन देगा, बाप रे तो ज्यादा हो गया, लेकिन फिर वो हड़बड़ाया नहीं, घबराया नहीं, काफी कूल होकर के काफी चालाकी के साथ उसने काम लिया। ही रिप्लाइड कूलली, काफी ठंडे अंदाज में उसने जवाब दिया, आई सर्टनली वुडंट पार्ट विद इट फॉर दैट। कहता भाई साहब ये जो कद्दू है ये मैं डेफिनेटली सर्टनली आपको नहीं दूंगा, जितना आप कह रहे हैं ना 5 येन, बिल्कुल भी मैं इस कद्दू को अपने आप से जो अलग नहीं करूंगा, मतलब मैं ये आपको नहीं दूंगा, इतने पैसे में तो नहीं दूंगा। द डीलर इमीडिएटली रेज्ड हिज ऑफर, आदम जल्दी, जैसे ही इसने ये बात कहा जल्दी ही वो जो डीलर था एकदम जल्दी जल्दी में उसने उसका दाम बढ़ा दिया, रेज कर दिया, उसने जो अपना ऑफर था रेज कर दिया, बढ़ा दिया टू 10 येन, 5 येन से 10 येन चला गया, चलो मैं तुमको 10 येन दे दूंगा। बट द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट, लेकिन पोर्टर जो है अब तक वो हिला डोला नहीं, बिल्कुल स्ट्रांगली अपनी जगह पर कायम रहा, दायम रहा कि नहीं 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 नहीं, उतना में मैं नहीं बेचूंगा। एडमेंट मीन्स दोस्तों फर्म, डिटरमाइंड, एकदम पक्का कि नहीं नहीं बेचना मुझे, एडमेंट, क्लियर, एकदम अटल, एडमेंट माने अटल, हिंदी में इसको अटल बोलेंगे। द पोर्टर वॉज स्टिल एडमेंट, एडमेंट मीन्स अटल, एकदम अटल रहा कि नहीं मुझे नहीं बेचना है। 37. इन द एंड द कीरो डीलर हैड टू पे 50 येन फॉर द गॉड। और यकीन मानिए दोस्तों, आखिरकार फाइनली कीरो डीलर ने उस कद्दू के लिए उस बूढ़े पोर्टर को 50 येन दिए। कितना येन? 50 येन, 10 गुना बढ़ा दिया, 10 times। द पोर्टर लेफ्ट द शॉप, पोर्टर ने वो दुकान छोड़ा, डिलाइटेड एट हिज लक, अपनी किस्मत पे खुश हो रहा था, डिलाइट हो रहा था, वाह क्या किस्मत है। इट वॉजेंट ऑफन दैट द टीचर गेव वन ए फ्री गिफ्ट इक्विवेलेंट टू ए ईयर्स वेजेस। इट वॉजेंट ऑफन, ऐसा तो कभी हुआ ही नहीं। इट वॉजेंट ऑफन दैट द टीचर, कि वो जो खरूस टीचर था, वो जो शिक्षक था, गेव वन अ फ्री गिफ्ट, उस पोर्टर को एक फ्री गिफ्ट दिया था ना, फ्री में दिया था ना, मुफ्त में वो तोहफा दिया था ना, जिस तोहफे की कीमत इक्विवेलेंट था, तुल्य था, बराबर था टू ईयर्स एज, 1 साल के मजदूरी के बराबर था। माय गॉड, 1 साल के मजदूरी के बराबर था, क्या था उसका वेज, 1 साल का वेज, 1 साल की मजदूरी के बराबर वो दाम था, 1 दिन दिया, फ्री में दिया, तो पोर्टर खुश नहीं होगा, बहुत खुश हुआ। He was so clever as not to mention to matter to anyone. वो इतना चालाक हो गया कि इस बात को किसी के पास कहा नहीं, मेंशन नहीं किया, जिक्र नहीं किया इस बात का, एंड नीदर सेबी नोर द टीचर, ना तो सेबी को बताया और ना ही उस शिक्षक को बताया। Ever heard what had happened to the god? उन दोनों को कभी पता नहीं चला कि उस कद्दू का जिस टीचर ने उसको जब्त कर लिया था क्या हुआ क्या नहीं हुआ, न सेबी को पता चला न उस टीचर को पता चला, उस पोर्टर ने कभी कुछ नहीं बताया। Yes, हाँ, the porter was clever, पोर्टर बहुत चालाक था, but he was not clever enough, लेकिन वो इतना भी चालाक नहीं था, चालाक था पर वो इतना भी चालाक नहीं था। लिटिल डिड ही इमेजिन दैट दिस सेम गॉड वुड बी पास्ड ऑन बाय द कीरो डीलर टू अ वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन्स। वो समझ रहा था उस पोर्टर ने न तो टीचर को बताया न सेबी को बताया, किसी को नहीं बताया, वो समझा कि कद्दू मेरा बिक गया, 1 साल की मुझे जो मजदूरी मिलनी थी वो हमको 1 दिन में मिल गई, फ्री में हमको गिफ्ट के तौर पर मिली जो कि हमको टीचर ने दिया था। ओके, लिटिल डिड ही इमेजिन, वो चालाक तो था लेकिन इतना भी चालाक नहीं था, लेकिन वो ये सोचा, वो बहुत कम सोचा, कम इमेजिन किया दैट दिस सेम गॉड, कहता है कि यही कद्दू जो और भी कद्दू है वो वुड बी
वुड बी पास्ड, वो जो कीरो डीलर के द्वारा ले लिया जाएगा, पास कर दिया जाएगा, ले लिया जाएगा, और क्या इतने सारे कद्दू अगर वो लेके देगा तो उसको क्या करेगा वो जो उसको जो कीरो डीलर है उसको अब 50 येन नहीं बल्कि 600 येन देगा, क्योंकि कद्दू बहुत सारा है, है ना। द कीरो डीलर और वेल्दी कलेक्टर इन द डिस्ट्रिक्ट फॉर 600 येन। 38 सेबी नाउ इनग्रोज इन हिज पिक्चर्स। नाउ अब जो है सेबी इनग्रोज हो गया, खो गया, जज्ब हो गया, अब्सॉर्ब हो गया अपने पिक्चर्स में, अपने फोटोज में। ही नो लॉन्गर फील्स एनी बिटरनेस। वो अब उसके मन में कोई करवाहट नहीं थी, उसके मन में कोई भी करवाहट इस तरह की बिटरनेस नहीं थी। Either towards the teacher, ना तो टीचर की तरफ थी, और towards his father, नहीं अपने पापा की तरफ। कोई मन में कोई करवाहट नहीं थी, कोई दुख नहीं था, कोई परेशानी और दोनों की तरफ से नहीं थी, क्योंकि टीचर ने उसका कद्दू जब्त किया था, पापा ने सारे कद्दू उसको हथौड़े से बिल्कुल टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, तो कि दोनों के प्रति वो क्या हुआ, अब अपने काम में लग गया, अपने पिक्चर्स में लग गया, और अब वो जो करवाहट उसके मन में था अब वो नहीं रहा, नो लॉन्गर, है ना। ही नो लॉन्गर फील्स, अब वो ऐसा महसूस नहीं करता था, करवाहट फील नहीं करता था, ना तो टीचर के लिए और नहीं अपने पापा के लिए। हु स्मैश्ड ऑल हिज प्रेशियस गॉड्स टू पीसेस, जिसकी उसी पापा ने जिसने उसके सारे कद्दू को हैमर से छोटे छोटे टुकड़े कर दिया था। 39 येट ग्रेजुअली हिज फादर हैज बिगन, येट ग्रेजुअली हिज फादर, धीरे धीरे उसका जो बाप है, सेबी का जो बाप है, हैड बिगन टू स्कॉल्ड हिम फॉर पेंटिंग पिक्चर्स। अब फिर वो पुराने आदत में लौट आया, चूंकि सेबी अब पिक्चरों को पेंट करने में लग गया था, काफ़ी खो गया था, अब उसके पापा को उसके पिक्चर्स को पेंट करना भी नागवार गुजर रहा था, वो उसको उस बात पर भी वो डांट रहा था। तो कहने का मतलब ये दोस्तों, ये हमारा ख़त्म हो गया, तो हम क्वेश्चंस भी दूसरे सेशन में करेंगे। तो यही बात है कि जो भी कुछ करना चाहता है हमको, उसको हमेशा कुछ ना कुछ डांट मिलती है, उसकी जो हॉबी के रास्ते में, कोई अच्छा वर्क करने के रास्ते में ये सारी बाधाएं आती हैं। तो यही है, अभी हमने देखा कि सेबी के रास्ते में कितनी सारी बाधाएं आई, फिर भी वो एक हॉबी को छोड़कर वो दूसरे हॉबी में लग जाता है, पेंटिंग में लग जाता है, लेकिन उसके पापा को ये पेंटिंग करना भी अच्छा नहीं लगता है, और वो उसको डांटना शुरू कर देता है। तो यही थी कहानी दोस्तों, 112 साल के बच्चे की, सेबी की जापानीज बच्चे की कहानी थी, कि वो किस तरह से अपने क्या बोलते हॉबी के लिए, अपने कुछ एक्स्ट्रा टाइम में करने के लिए उसको कितना वो भाग रहा था, कभी कद्दू की तरफ, कभी पिक्चर्स की तरफ, लेकिन दुनिया तो हमेशा वो वही है ना, कि कोई भी काम, कोई भी हॉबी अगर कोई दुनिया में इंसान करता है तो उसको दुनिया वाले उसका क्या करते हैं, मुखालिफत करते हैं, उसका विरोध करते हैं। तो चलिए, यही सारी कहानी थी आपकी शिगा नोया के द्वारा। ये सारी जो आर्टिस्ट था, ये जो कलाकार है, ये जो बच्चा है, जो सेबी है, रियली में कलाकार है, हकीकत में कलाकार है, वास्तव में कलाकार है, लेकिन इसकी कलाकारी दुनिया ने कबूल नहीं की, इसकी कलाकारी दुनिया को पसंद नहीं आई, तभी तो कभी कद्दू जब्त कर लिया गया, कभी कद्दू को तोड़कर फेंक दिया गया, जब वो पेंटिंग करने लगा तो फिर यहाँ भी उसका विरोध चालू हो गया। तो यही सारी चीज़ें हैं दोस्तों, आप एक बार इसको पढ़ लीजिएगा, और इसका जो पहला वाला पार्ट है, इसका सेकंड पार्ट है, ये लेक्चर 2 है, पार्ट 2, इसका पहला पार्ट भी आप ज़रूर देख लीजिएगा, ताकि पूरा चैप्टर आपको समझने में आसानी होगी। और चलिए, बहुत जल्दी हम इसके आंसर क्वेश्चंस भी 1 by 1 करेंगे, जितने भी ग्रामेटिकल पोर्शन है हम लोग उसको भी करेंगे, आप इसका वेट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। आपको इस वीडियो को देखने के लिए शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। और हमने जो पहले भी आपको बता दिया था कि इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा, और शेयर करना तो बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। चलिए, थैंक यू वेरी मच, बाय।